पावर पावर है ओपी खत्री, बहुत मजा आया। अच्छा पैसा वसूल है, एक नंबर एक नंबर, एक नंबर मजा आया। हाँ सब 14 अप्रैल को बाबा को देखने आएंगे, बाबा जैसा विलन कोई नहीं। वो तो बहुत, वो बच्चे लोग चोकरे लोग डांस करते हैं कितना उड़ी मार मार के, वो सुनने को भी नहीं देते। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आप बाहुबली से भी अपर लेवल पर है। एंटरटेनर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मजा आया, अच्छा लगा हम लोग को पिक्चर, मजा आया, अच्छी है। राम अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा 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 इट्स वाउ मूवी, अमेजिंग, यस यस ऑलरेडी दे रही है। फाइव फाइव सुपर चार साल से बाबा को देखने आएंगे, बाबा के फैन हैं, लेकिन मूवी एक नंबर थी, फाड़ू फाइव स्टार। भवाले भवाले फिल्म तो ठीक थी, बस एक्शन अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं था पहले, मतलब अच्छा नहीं मतलब रियलिस्टिक नहीं था बस। हाँ इसके अलावा आपको और क्या अच्छा लगा? इसके अलावा थोड़ी बहुत स्टोरी वगैरह समझ में नहीं आई शुरू में, जो उसके वो बच्ची को लेने जाता है ना, वो क्यों लेने जाते हैं अच्छे से बताया नहीं, उसको किडनैप कर लेते हैं या अडॉप्ट करना चाहते हैं अंग्रेज लोग, वो सब नहीं बताया ठीक से। हाँ अजय को देख के अच्छा लगा, आलिया को देख के ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बस थैंक यू। नहीं नहीं तोड़ पाएगी, बहुत अच्छी लगी, मजा आया, यस यस एंटरटेनर है, यस यस बहुत मजा आया, तीनों को भी देखकर अच्छा लगा, आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है तो बहुत मजा आया। बाहुबली से बेटर है, यस यस एब्सोल्युटली, लेकिन बाहुबली से भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्यों देखना चाहिए? देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है, आलिया भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, सौ चीज का एक ही जवाब, एक्सीलेंट बस। बिकॉज इज माई फैमिली, एवरी आर्टिस्ट इज वेरी गुड एक्टिंग, खत्म। बाहुबली कुछ नहीं है इसके सामने, कुछ नहीं है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक नंबर, फुल फैमिली एंटरटेनर। SS राजामौली का डायरेक्शन ऑब्वियसली, और जूनियर एनटीआर और रामचरण का एक्टिंग, विजुलेशन, एक नॉर्मल स्टोरी को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, इज माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली। बाहुबली अपनी जगह, बाहुबली अपनी जगह एब्सोल्युटली टक्कर दिया है, विजुलेशन देखिए आप, विजुअल देखिए फिल्म के, और सबसे अच्छा फिल्म का BGM, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आप बाहुबली से भी अपर लेवल पर है, वो बहुत बढ़िया। मैंने फर्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन दिखाया बिकॉज वो साउथ ऑफ साउथ स्टार है, बट बॉलीवुड इंडियन सिनेमा बदल रहा है, बहुत बदल रहा है, मजा है, मजा आया, अच्छा 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 अच्छा, तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं।
यस जी 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 बताएं क्या अच्छा लगा फिल्म में? मुझे फिल्म में सब कुछ बहुत अच्छा लगा, चाहे वो एस एस राजमौली का स्क्रीन प्ले हो, डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंसेज हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मैंने सेकेंड टाइम देखी है फिल्म और मैं थर्ड टाइम भी जाने वाला हूँ। सेकेंड टाइम जब मैंने फिल्म देखी थी मैंने आईमैक्स 3D में गया था एंड बिलीव मी वहाँ का जो लोगों का रिएक्शन था, लाइक हर डायलॉग पे हर सीन पे लोग विसल कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और एंड में इट वॉज लाइक एन स्टैंडिंग ओवेशन, जो लोग तालियां बजा रहे थे। और एंड तक का मोस्टली कैसे होता है बॉलीवुड की फिल्म्स में, स्पेशली जब फिल्म खत्म होती है एंड क्रेडिट जब रोल होता है तो लोग ऑडियंस जो है वो बाहर आना चालू हो जाती है, बट इस फिल्म में ऐसा नहीं हुआ, लोग बैठे हुए थे सीट पर। ये 3 घंटा 10 मिनट की फिल्म है बट उनका जो स्क्रीन प्ले है, जो एस एस राजमौली की मेहनत है, वो स्क्रीन पर दिख रही है और उन्होंने लोगों को बैठा के रखा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड आई थिंक ये फिल्म जो है ग्लोबली भी बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा बड़े मुकाम पर ले जाएगी। मोस्टली क्या होता है जैसे कि जब फिल्म स्टार्स जो होते हैं हीरो हीरोइन जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो लोग चेयरअप करते हैं, बट इट वाज़ द फर्स्ट टाइम जब के एक जो डायरेक्टर जब आए एस एस राजमौली स्क्रीन के ऊपर तो लोग बैठे हुए थे और वो एकदम एंड में आते हैं अजय देवगन के बाद सॉन्ग में और लोग चिल्लाने लगे, सीटियाँ मारने लगे। सो एक्चुअली एस एस राजमौली इज़ द रियल सुपर स्टार। टेरिफिक टेरिफिक, बोथ आर जस्ट अमेजिंग। एंड आई थिंक के जैसे प्रभास को बाहुबली के बाद बहुत सारी हिंदी फिल्में ऑफर हुई है और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर जो बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं वो भी अब NTR और रामचरण को जो है उसी लीग में लेके आएंगे। नहीं, कमी नहीं कह सकते हैं उसे, बिकॉज वो जो था उनका लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था, बट दोनों ही का बहुत मेन कैरेक्टर था, जैसे कि अजय देवगन का जो है वो बाप का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं रामचरण का, विच वॉज सुपर्ब जो था। आलिया भट्ट का थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंस लिमिटेड था बट वो उसे एग्जैगरेट नहीं कर सकते थे बिकॉज उनका रोल ही उतना था। अगर देखा जाए तो वो रामचरण और NTR के बीच की कड़ी है क्योंकि वही जो है स्टोरी को आगे बढ़ाती है, आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज़ इंपॉर्टेंट, किसी को भी वेस्ट नहीं किया गया है और आपको कहीं भी फिल्म बोर नहीं लगती है, पूरे 3 घंटा ऐसा वसूल फिल्म है। वेल बाहुबली ने जो एक बेंचमार्क सेट किया था उस बेंचमार्क को तोड़ पाएगी 100%। एक्चुअली ये फिल्म जो है बाहुबली से और एक स्टेप आगे बढ़ गई है, जो VFX जो एक्शन हमने देखा था, और जो एक्शन लवर है मैं उनसे कहना चाहूँगा मोस्टली कि अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आके देखिए, बिकॉज ये मुझे ऐसा लगा कि मैं हॉलीवुड की कोई फिल्म देख रहा हूँ, जैसे हम अवेंजर्स देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, मुझे वो लेवल का VFX दिख रहा था, वो जो टाइगर के साथ पूरे सारे जानवरों के साथ NTR आते हैं, दैट्स वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। KGF भी बहुत ज़्यादा हाइप मूवी है बट आई डोंट थिंक कि वो इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, बिकॉज सी KGF जो फर्स्ट पार्ट था उसकी स्टोरी अच्छी थी, उसके बेस पे KGF 2 का स्टेज सेट किया गया है, बट हियर द डायरेक्टर इज SS राजमौली, तो एक्सपेक्टेशन अलग थी और वो एक्सपेक्टेशन पे खरे भी उतरे हैं। अब KGF से भी उम्मीदें हैं, आई होप कि वो उतनी चलेगी, बट लेट सी क्या होता है। RRR की जहाँ तक का बात है वो तोड़ पाएगी नहीं, इट्स बिट डिफ़िकल्ट, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफरेंट, मतलब डिफ़िकल्ट होगा RRR को क्रॉस करने के लिए KGF का। एज ऑफ नाउ या RRR इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, जितनी भी फिल्में मैंने हिंदी में अब तक देखी है ना, एक्शन फिल्में कह लो चाहे स्टोरी वाइज कह लो, इट वॉज माइंड ब्लॉकिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मूवी, बहुत सही लगा, इट्स वेरी गुड, वेरी नाइस, फैबुलस टिल इंटरवल, इंटरवल के बाद बहुत बोरिंग है। मेरे को ऐसा लगा, इंटरवल तक जो उसने बांध के रखा है, एकदम जो सीटियाँ ताली बज रही थी और एकदम कनेक्शन रखा, सामने वाले को कुछ सोचने ही नहीं दे रहा था, अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, हाँ ये सही लग रहा है, कनेक्शन मस्त जा रहा है। इंटरवल के बाद फिर क्या हो गया, स्टोरीज इसका बताने लगे, उसके पास बताने लगे, फिर जैसा एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, ऐसा लगा कि दोनों भी एक हो गए, फिर ब्रिटिशर का किंगडम को चैलेंज करके फिर विन होगा, ऐसा विक्ट्री टाइप लगा, वैसा नहीं हुआ, दे वॉन, बट इट्स समथिंग दैट नॉट अप टू दैट मार्क। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द इशू, अगर उन्होंने जो इंटरवल तक बनाया वैसे अगर लास्ट तक भी बना रहते थे इट वॉज सुपर्ब, बट जो बाद में उन्होंने थोड़ा ढीला पड़ गया मूवी, ऐसा मुझे लगा। फिल्म का जो मेन जो बहुत ही ज़्यादा शानदार कहा जा रहा है वो है एक्शन, या टिल द इंटरवल इट वॉज सुपर्ब एक्शन, थोड़ा वैसा नहीं है जो पहला वैसा था, इंटरवल के बाद थोड़ा एक्शन में कमी है, फिर लास्ट में उन्होंने ये फिर वो बांध बिन निकाला तो थोड़ा वो थोड़ा ये था, लेकिन बाकी का सब अच्छा था। या आफ्टर द लॉन्ग टाइम, तो डू यू थिंक एक बेंचमार्क जो सेट किया है बाहुबली ने उसको वो किए तो
नहीं, नॉट अप टू दैट बेंचमार्क, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया। अगर मैं बोलता हूँ कि इंटरवल तक ही उन्होंने फिल्म भी रिलीज़ करते थे ना, फिर इसका सेकंड पार्ट जैसा बाहुबली का उन्होंने किया वैसा करता तो भी अच्छा रहता था। क्योंकि मेरा फ्रेंड है उस जो फॉरेन कंट्रीज़ में, उसने एक मूवी देखा, उसको सिर्फ इंटरवल तक देखा गया, तो मैंने उसको मैसेज किया कि भाई तूने अच्छा किया इंटरवल तक ही मूवी देखा। अभी मैंने आते हुए मैसेज किया, वो बोला शायद वो ब्रिटिशर लोग के अगेंस्ट में है तो उन्होंने उनको वहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि उनका किंगडम को चैलेंज कर रहा है ऐसा, शायद उसके लिए नहीं दिखाया। लेकिन इट वॉज़ गुड कि अगर बाहुबली, अगर आर एस मौली ने उतना ही रिलीज़ किया होता था ना इंटरवल तक, और बोलता था कि सेकंड पार्ट आने वाला, देन ऑल्सो इट वॉज ए हिट। ऑब्वियसली वी आर वेटिंग फॉर दैट, वी आर रियली वेटिंग फॉर दैट, एंड दैट इज अ हाइप ऑफ दैट, आई एम टू से व्हाट शुड दैट। नो नो नो, के जी एफ का लेवल अलग ही है और उसको देखने के बाद ही हमको मालूम पड़ सकता है क्योंकि फर्स्ट वाले ने कुछ अलग ही स्टैंडर्ड किया है। एंड तो इट वॉज फॉर मी, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीबडी, के जी एफ वॉज बेटर मूवी देन बाहुबली फॉर मी, बट स्टिल पीपल लाइक बाहुबली एंड आई एम वेटिंग फॉर के जी एफ टू। ओवरऑल मूवी वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था, एक्शंस मुझे अच्छा लगा, उनका जो बॉन्डिंग था दोनों हीरोज का वो मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्रेंडशिप द वे उन लोग दोनों हेल्प कर रहे थे एक दूसरे को फाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड मुझे वो सॉन्ग्स, दो सॉन्ग्स अच्छे लगे जहाँ पे उन लोग दोनों डांस करते हैं, वो एक अच्छा लगा। और इंटरवल के पहले बहुत मज़ा आया, उसके बाद भी मुझे अच्छा लगा, बट मुझे वो जो लास्ट का एंडिंग है वो बहुत अच्छा लगा, जब वो दोनों, वो जो मेन हीरो है वो बचाते हैं उनको एंड देन सीता और राम को मिलाते हैं, दैट थिंग आई लाइक। हाँ आलिया भट्ट नहीं, बट आलिया भट्ट का कुछ इतना रोल नहीं था, जस्ट फॉर द प्रेजेंस उन्होंने दिखाया। और अजय देवगन का भी अच्छा था रोल, एक्शन देवर सुपर्ब, मींस देयर इज नो कमेंट्स ऑन देम। गाने बहुत अच्छे लगे मुझे, दो अच्छे लगे मुझे गाने, और एक जब वो पनिशमेंट देते हैं उनको तभी वो एक गाना अच्छा लगा मुझे, तो दो सॉन्ग्स। बहुत मजा आया, बहुत बेस्ट रहता है हमेशा उसका। बहुत अच्छा लगा बेटा, हाँ मजा आया। वो एक गाना है ना, वो हीरू को मारने का टाइम गाना गाते हैं, वो अच्छा लगा, उन लोग का एक्टिंग भी अच्छा लगा, डेप एक्टिंग भी अच्छा लगा, अच्छा लगा, मजा आया। अच्छा वो बहुत थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा, हाँ उन लोग भी अच्छा, हिंदू हीरो है अपना तो वो भी, उन लोग भी अच्छा लगा, उन लोग भी अच्छा लगा। वो तो बहुत, वो बच्चे लोग छोकरे लोग डांस करते हैं कितना उड़ी मार मार के, वो सुनने को भी नहीं देते न, कितना आवाज अंदर, पैसे तो वसूल हुआ, थोड़ा अच्छा लगा, मजा आया। तेलुगु में रहता तो मेरे को और अच्छा लगता था, तेलुगु में, तेलुगु हीरो लोग कहे ना, तो तेलुगु में रहता तो मेरे को थोड़ा समझता था, थोड़ा मेरे को अच्छा लगता था। तो तेलुगु में आएगा तो तेलुगु में भी देखेगा, हाँ आया है वो, तो टीवी में आएगा तो हम लोग टीवी में देखेगा। वो क्या बोलते हैं ना, ये इन लोग बच्चे लोग करते हैं, नहीं बाबा मेरे को डायलॉग बीलेक नहीं आता है।